हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा अस्थाना श्री मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटोर दोराला में कार्यरत हूँ। आज मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ गीत शीर्षक लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, सबसे पहले संक्षेप में मैं आपको महादेवी वर्मा जी के बारे में बता देती हूँ। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 में फरुखाबाद जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय वर्मा और माता का नाम हेमरानी था। महादेवी वर्मा जी का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय नहीं था और इन्होंने अपनी मैट्रिक से लेकर एमए तक की शिक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई। जो माधवी वर्मा जी की मिर्जा, निहार, रश्मि, यामा, अतीत के चलचित्र आदि रचनाएं अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी अपनी रचनाओं पर मंगला प्रसाद पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार, अनेक पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए। विरह वेदना के भावों से पूर्ण रचनाएं लिखने में महादेवी जी को महारत हासिल थी। इन्होंने प्रकृति चित्रण भी अपने काव्य में बहुत अच्छा किया है। इनकी रहस्य भावना भी अत्यंत उत्कृष्ट थी और इसीलिए इनको आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, महादेवी वर्मा जी को वेदना अत्यधिक प्रिय थी और उन्होंने अपने जीवन की तुलना नीरभरी बदली से की है, जैसा कि आपके गीत में भी प्रस्तुत है। अब आप आइए गीत की तरफ। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। बच्चों, आपके एग्जाम में काव्य की ये कुछ पंक्तियां आपको आती हैं, इनमें कुछ पंक्तियां अंडरलाइन होती हैं और उसके नीचे 5 क्वेश्चन लिखे होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हीं पंक्तियों को अच्छी तरह पढ़कर समझकर देने होते हैं। तो बच्चों, चलिए प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, पद्यांश के पाठ और कवित्री का नाम लिखिए। पद्यांश का पाठ, बच्चों, यह गीत शीर्षक जो है महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है सांध्य गीत। सांध्य गीत में से यह गीत शीर्षक लिया गया है। कवित्री का नाम महादेवी वर्मा अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। जब आपसे संदर्भ पूछा जाता है तो आप क्या लिखेंगे कि ये प्रस्तुत पद्यांश महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित सांध्य गीत काव्य संग्रह से हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड में गीत शीर्षक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश, बच्चों, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। अब इसमें जो हार्ड वर्ड है, जो कठिन शब्द है, इनके
अर्थ भी आप समझ लीजिए। स्पंदन का अर्थ होता है बच्चों धीरे धीरे अंगों का कांपना। निस्पंद का अर्थ है स्थिर रहना। क्रंदन मीन्स रुदन, आहत घायल। और निर्झरणी का अर्थ होता है नदी। महादेवी जी अपने जीवन की तुलना नीर भरी बदली से करती हुई कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन भी दुख की बदली से घिरा हुआ है। जिस प्रकार बदली पानी से परिपूर्ण होती है, उसी प्रकार मेरी आंखें भी हमेशा अश्रु से परिपूर्ण रहती हैं। महादेवी जी का कहना है कि जिस प्रकार बदली में स्थिरता बनी रहती है, कंपन की स्थिरता हमेशा बदली में बनी रहती है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में भी विरह से उत्पन्न दुख की स्थिरता हमेशा विद्यमान रहती है। जिस प्रकार बदली के गर्जन को सुनकर, बदली की गर्जना को सुनकर ताप और गर्मी से जो संसार अत्यंत व्याकुल है वह प्रसन्न हो उठता है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी जो घायल संसार है वह प्रसन्नता का अनुभव करता है। महादेवी जी का कहना है कि जिस प्रकार बदली में बिजली कौंधती है और बदली के जल से नदी का प्रवाह हो उठता है, उसी प्रकार मेरे भी नेत्रों में विरह से उत्पन्न दीपक के समान अग्नि जलती रहती है और मेरी पलकों से अश्रु धाराएं हमेशा बहती रहती हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, महादेवी जी ने अपने जीवन की तुलना किससे की है? क्या आंसर है कि महादेवी जी ने अपने जीवन की तुलना बदली से की है। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। मैं नीर भरी दुख की बदली का आशय यह है कि महादेवी जी कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार बदली में सदा पानी भरा रहता है, उसी प्रकार मेरी आंखों में भी विरह से उत्पन्न दुख के अश्रु हमेशा भरे रहते हैं। कवित्री के रुदन से घायल संसार को किस प्रकार प्रसन्नता मिलती है? जिस प्रकार ताप से परेशान संसार को बदली की गर्जना सुनकर प्रसन्नता का अनुभव होता है, उसी प्रकार कवित्री के रुदन से घायल संसार को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है। बच्चों अब हम एक दूसरा अवतरण भी पढ़ेंगे जिससे आपको और स्पष्ट होगा। देखिए बच्चों, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अब महादेवी जी ने अपनी आत्मा का जो अर्थ था उसको समझाने के लिए महादेवी जी ने इस बदली का सहारा लिया है और उन्होंने कहा कि जो बदली है वह आकाश में रहती है परंतु उसका कोई भी कोना आकाश का उसका अपना नहीं होता है। इस बात को समझाना चाहा है। प्रश्न नंबर एक देखिएगा, पद्यांश के पाठ और कवित्री का नाम लिखिए। ऊपर भी आपने किया था, पद्यांश के पाठ का नाम
सांध्य गीत के अंतर्गत गीत शीर्षक है। कवित्री का नाम माँ देवी वर्मा जी है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ मैंने ऊपर आपको बताया था, वैसे ही आप इस पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों, कवित्री का कहना है कि बदली विशाल आकाश में ही रहती है, परंतु आकाश में होते हुए भी आकाश का कोई भी कोना उस बदली का अपना नहीं होता, वह आकाश में इधर उधर घूमती रहती है। उसका परिचय और उसका इतिहास बस इतना ही है कि वह आज अभी अभी उमड़ी थी और अभी अभी उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इसी प्रकार महादेवी वर्मा जी अपने जीवन के संबंध में कहती हैं कि इस विशाल संसार में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। मेरा परिचय और मेरा इतिहास सिर्फ इतना ही है कि मैं कल आई थी और आज इस संसार से जा रही हूं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, यहाँ किसके माध्यम से महादेवी वर्मा अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हैं? यहाँ बदली के माध्यम से महादेवी वर्मा अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हैं। आकाश में रहने वाली बदली के संदर्भ में यहाँ क्या कहा गया है? चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, इसका आंसर देखिए कि आकाश में रहने वाली बदली के संदर्भ में कवित्री ने कहा है कि आकाश में ही बदली रहती है, परंतु कोई भी आकाश का कोना उसका अपना नहीं होता, वह पूरे आकाश में यहाँ वहाँ घूमती रहती है। पद्यांश के अंत में कवित्री अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत कर रही है? पद्यांश के अंत में कवित्री का कहना यही है कि इस विशाल संसार में मेरा कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जिसे मैं अपना स्थान कह सकूं, अपना घर कह सकूं। मेरा परिचय और मेरा इतिहास इतना ही है कि मैं कल आई थी और आज इस संसार से जा रही हूं। आप लोगों को अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।